राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर राजधानी के खालसा स्कूल में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आयोजित प्रकाश पर्व के समारोह में शामिल हुई। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका और छत्तीसगढ़ प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने सिख समाज के समस्त श्रद्धालुओं को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और अपने उपदेशों से ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इस अवसर पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा को गुरु सिंह सभा द्वारा सम्मानित भी किया गया। गुरु नानक जयंती पर खालसा स्कूल में प्रदेश भर के सिख जन जुटे रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खालसा स्कूल में गुरु नानक जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर प्रदेश वासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस मौके पर सिख समाज द्वारा उन्हें सरोपा और कृपाण भेंट किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गुरु नानक जयंती पूरे मानवता का प्रकाश पर्व है। गुरु नानक देव ने संदेश दिया कि संपूर्ण जगत का स्वामी एक है, सभी उसी के बंदे है। पूरे देश और दुनिया में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी ने मानव सेवा की जो उत्कृष्ट पैमाना तय किया, आज सिख समाज उस रास्ते पे चलते हुए सेवा को सबसे प्रमुख आधार माना और जब मानवता संकट में जब भी आया है, सिख समाज सबसे आगे बढ़कर उन्होंने सेवाएं दी और ऐसे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही हमारी छत्तीसगढ़ में कबीर चबूतरा से लेकर हमारे गढ़ फुलझर तक आए और यहीं से फिर उड़ीसा पुरी के दर्शन करने वो गए थे। गढ़ फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आज गुरु पर्व है, गुरु नानक जयंती है और हर वर्ष की तरह इस बार भी खालसा स्कूल में बहुत भव्य रूप से गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश की महामहिम आदरणीय राज्यपाल श्रीमती सुश्री अनुसुईया उइके जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास बहन जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, सांसद सुनील सोनी जी, सभी जन ने यहाँ पर आके माथा टेका है और प्रदेश की सुख शांति समृद्धि के लिए यहाँ पर सबने प्रार्थना की है। वाहेगुरु भगवान के चरणों में माथा टेक कर और हम लोग सब भी यहाँ पर माथा टेक रहे हैं। गुरु का लंगर है, अभी पूरे प्रदेश की संगत और सारे समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और एक साथ मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। प्रकाश उत्सव पर छत्तीसगढ़ के सभी सिख धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज यहाँ पर प्रकाश पर्व का जो खालसा स्कूल में आयोजन किया गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, माननीय चरणदास महंत जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पहुँचे हैं और उनका सबका हम लोगों ने बहुत ही आत्मीय स्वागत किया। और विशेष तौर पर राज्य सरकार के मुखिया होने के नाते माननीय भूपेश बघेल जी ने जो गुरु नानक देव जी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे, 2 दिनों तक तपस्या की थी, गढ़ फुलझर में पर्यटन स्थल घोषित किया था और उसके बाद उसको विकास करने की बात आज कही है, पूरा सिख समाज उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इस तरह के आयोजन लगातार हम लोग प्रतिवर्ष करते रहे हैं और गुरु नानक देव जी की कृपा से आने वाले आदिकाल तक करते रहेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भी खालसा स्कूल आकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। इसके बाद स्टेशन रोड गुरुद्वारा कमेटी द्वारा राज्यपाल और विधानसभा को सरोपा और कृपाण भेंट की गई। अतिथियों के आगमन के दौरान ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य शिविर में जाकर शिविर का जायजा लिया। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि गुरु नानक देव के आदर्शों पर सिख समाज चलकर सबकी सेवा कर रही है। गुरु नानक देव के उपदेशों पर चलकर ही समाज और देश का कल्याण किया जा सकता है। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन भी प्रकाश पर्व की बधाई दी, जिनका गुरुद्वारा कमेटी ने सरोपा भेंट कर सम्मान किया। आज गुरु नानक जयंती के इस प्रकाश पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विशेष तौर पर सिख समाज को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। मैं सभी समाज के भाइयों को
बताया है कि सभी लोग एक ही हम सब बराबर है, अपना जीवन तो उनके बाद के आगे बढ़ रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम लोग बना रहे हैं। गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव खालसा स्कूल में प्रति वर्षानुसार इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में और पूरे देश में और हमारे विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी और बहुत सारे प्रतिष्ठित नागरिकों ने आके यहाँ मत्था टेक के गुरु महाराज से आशीर्वाद लिया है। और विशेषकर गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड के पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा धूमधाम से नगर कीर्तन निकाला और आज ये बहुत पर्व बहुत धूमधाम से मनाया। मैं सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रकाश पर्व के मौके पर छत्तीसगढ़ सिख फोरम लेडीज विंग की सदस्यों ने सेवा कार्य संभाले रखा, स्टॉल में सेवा देकर गुरु नानक जयंती की बधाई दी। अध्यक्ष नीता छाबड़ा और सचिव कवलजीत सलूजा ने कहा कि उनके गुरुओं ने सेवा भाव सिखाया है, उनके लिए सेवा ही धर्म है। पालन करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। आज हम यहाँ जोड़ों की सेवा कर रहे हैं और अपने आप को वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूर्व की छत्तीसगढ़ सिख फोरम लेडीज विंग की तरफ से सारे प्रदेश को, सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।